हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं समोसा। अब आप बोलेंगे समोसा ये कौन सी नई बात है, लेकिन आज हम ये टेस्टी सा समोसा बनाने जा रहे हैं घर की बची हुई रोटी और सब्जी के साथ। जी हाँ फ्रेंड्स, और बच्चे तो लाइक बच्चे क्या कोई भी इसको समझ ही नहीं पाएगा कि ये जो इतना टेस्टी सा समोसा है हमने सिर्फ बची हुई रोटी के साथ बनाया है। तो ये रेसिपी हम शुरू करते हैं, उससे पहले अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। इसके लिए मेरे पास यहाँ पर है ये एक बची हुई रोटी है, और ये है थोड़ी सी मेरे पास सूखे आलू की सब्जी जो नॉर्मली बच जाती है हमारे घर पर। तो अभी इसे अगर मैं नेक्स्ट टाइम के डिनर में भी ऐसे ही सर्व कर दूंगी ना तो घर में क्लेश हो जाएगा। तो अब इस रोटी को या तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो फेंकू इस रोटी सब्जी को, या फिर बहुत ही अच्छे से इसको यूज करूं। तो हम इसको अच्छे से यूज करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने एक बाउल लेना है, उसमें हम इसको लेना है ऑलमोस्ट दो छोटे चम्मच यहाँ पर मेरे पास मैदा है, और इसका हमने एक थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक पेस्ट बनाना है। मैं घोल नहीं कहूंगी, थोड़ा गाढ़ा सा रनी सा, लेकिन रनी हो लेकिन एकदम पतला भी नहीं हो। बेसिकली मैं आपको बोलूंगी जैसे फेविकॉल की कंसिस्टेंसी होती है ना, उसी अकॉर्डिंग उसी के जितना पतला गाढ़ा हमें एक पेस्ट बनाना है। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, ये देखिए, और ये बहुत आसानी से बन जाता है। देखिए बिल्कुल एक सेकंड में बनके तैयार है, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती इसे बनाने के लिए। ये देखिए आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी रोटी है हमने इसे बीच में से कट करना है, तो एक नाइफ की हेल्प से हम इसे बीच में से टू पीसेस में कट कर लेते हैं। अगर आपको छोटे समोसे बनाने हैं तो आप इसके फोर पीसेस भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे नॉर्मल साइज के समोसे चाहिए तो मैं इसके दो पीस ही कट कर रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने इसको दो पीसेस में कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने अपना स्लरी बनाया था, एक बैटर जैसा बनाया था, उसको इसके किनारों पे लगा देंगे। सिर्फ हमें किनारों पे लगाना है, आप देख सकते हैं मैं किस तरह लगा रही हूँ। और पहले इसके ना थोड़ा सा लेके ना बीच में भी लगा देंगे, क्योंकि ये रोटी है फूली हुई होती है, तो इससे क्या होगा बिल्कुल चिपक जाएगी, खुलने का कोई चांस ही नहीं रहेगा। इस तरह से ये देखिए मैंने इसके बीच में लगा दिया, और इसके किनारों पर भी। और अब हम क्या करेंगे, इसको लेके जैसे हम अपना समोसा बनाते हैं बेसिकली उसी तरह इसको फोल्ड कर देंगे, आप देख सकते हैं इस तरह से, और इसके बाहर भी अच्छे से ये पेस्ट लगा देंगे ताकि ये एकदम सील हो जाए। देखिए इस तरह से, देखिए ये मेरा समोसे का कोन बनके तैयार है। इसी तरह मैं ये दूसरा वाला भी बना के दिखाती हूँ आपको। पहले इसके अंदर भी मैं ये पेस्ट लगा लेती हूँ अच्छे से, जिससे ये चिपक जाए, और इस तरह सिर्फ इसके किनारों पे ये पेस्ट लगा के इसको कोन बना के अच्छे से सील कर देते हैं। थोड़ा सा पेस्ट हम बाहर भी लगा देंगे, देख सकते हैं, जिससे ये अच्छे से सील हो जाएगा। ये देखिए ये हमारी दोनों कोन बनके तैयार हैं। अब हम क्या करेंगे, ये आलू की सब्जी है जिसकी हमने स्टफिंग बनानी है, उसे इसमें फिल करेंगे। ये देखिए इस तरह से, और अब हम क्या करेंगे, ये जो इसका ऊपर का हिस्सा है इसके ऊपर भी इस तरह से ये पेस्ट लगाएंगे और इसको ऐसे चिपका देंगे इस तरह से। देखिए ये हमारा एक समोसा बन गया है। इसी तरह हम अपने दूसरे समोसे में भी स्टफिंग करते हैं, इसमें भी आलू फिल करेंगे। और ना आलू की स्टफिंग जो है ना थोड़े अच्छे से भरे, जैसे बाजार के समोसे में आता है, तभी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा।
ऐसा नहीं कि बस थोड़ा सा भर दिया, कि थोड़ा ज्यादा सा भरेंगे ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसका। अभी सेम इसके साइड्स के किनारों पर भी इस तरह से हम ये बैटर लगाएंगे और इसे सील कर देंगे। देखिए इस तरह से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सा पार्ट बताती हूँ इसका। ये जो हमारे पास स्लरी या पेस्ट बचा है ना, हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, लाइक इसका बिल्कुल पतला सा बैटर बना लेंगे हम। देखिए एकदम पतला हो चुका है, और इसमें साथ ही डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन। ये रोस्टेड अजवाइन नहीं है, कच्ची अजवाइन है। थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें लाल मिर्ची का पाउडर, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये इससे क्या होगा, हम इसको इसमें अपने जो रोटी समोसा है उसको डिप करके फिर आगे की प्रोसेसिंग करेंगे। उससे ये जो अजवाइन, नमक और मिर्ची इसके ऊपर जो पेस्ट के थ्रू लग जाएगी ना, उससे बिल्कुल लगेगा ही नहीं ये रोटी समोसा। ऐसा लगेगा यार ये तो बाजार वाले समोसे ही हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें डिप कर लेंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं, ये देखिए मैंने अच्छे से डिप कर लिया है। दूसरा समोसा भी डिप कर लेती हूँ। और अभी अपने पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसे डीप फ्राई कर दीजिए ऑथेंटिक तरीके से जैसे होते हैं, लेकिन अगर थोड़ा इसको हेल्दी ट्विस्ट देना चाहते हैं ना, तो हम क्या करेंगे, हमने ना यहाँ पर एक पैन में ऑयल जो है गरम करने रख दिया है। हम इसको शैलो फ्राई करने जा रहे हैं। देखिए बहुत थोड़ा ऑयल है, और हम क्या करेंगे इसको मीडियम फ्लेम पर करके, जैसे हमारा तेल गरम होता है ना, हम इसमें ये अपने समोसे रख देंगे बस। और जो गैस फ्लेम है बिल्कुल इसको मीडियम टू स्लो पर ही पकाएंगे, और इसे रख के भूल जाइए। अभी हम इसे एकदम से ही नहीं वापस से फ्लिप करना है, इसे रख के छोड़ दीजिए। और दो तीन मिनट बाद इसे हम पलटेंगे, बस दूसरी साइड से कुक करेंगे, और ये रेडी है हमारे खाने के लिए, हमारा हेल्दी वर्जन ऑफ समोसा। बहुत ही क्विक और इजी वे भी है इसे कुक करने के लिए है, या बची हुई रोटी और सब्जी यूज करने के लिए। तो हम इसे क्विक कुक होने देते हैं, और इसे ऐसे ही अभी रखे देते हैं, फिर हम इसको दो मिनट बाद पलट के दिखाऊंगी मैं आपको। देखिए गाइस ऑलमोस्ट दो मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसको कुक फ्लिप करके दिखाती हूँ। बस ऐसे हम ये टर्न कर देंगे, आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल गोल्डन ब्राउन कलर आया है इसका। दूसरे वाले को भी फ्लिप कर देंगे, और इसको भी बस दो मिनट हम हल्के बिल्कुल स्लो गैस पे सिकने देंगे दो मिनट के लिए। ना ज्यादा दबाना है ना इसको छेड़ना है, बस इसे आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, इसे सेल्फ कुक होने दीजिए। ये देखिए गाइस दो मिनट हो चुके हैं, और मैं आपको उसको दूसरी तरफ से भी दिखाती हूँ। देखिए कितना ब्यूटीफुल दूसरी तरफ से भी गोल्डन ब्राउन कलर आया है, आप देख सकते हैं। और आपको लगे कि ये अगर साइड से नहीं सिके हैं, तो आप बस इसे एक आध मिनट के लिए ऐसे पकड़ लीजिए इस साइड से या इस साइड से, ताकि ये सिक जाए। बस आप इसे एक मिनट ऐसा पकड़ेंगे ना, तो ये सिक जाएगा। वैसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज रोटी है कुक्ड होती है इटसेल्फ, तो इतना कुछ मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर आपको फिर भी लगे कि चारों तरफ से मुझे गोल्डन ब्राउन ही कलर चाहिए, तो बस आप इसे थोड़ी देर ऐसा पकड़ लीजिए। ये देखिए, या तो आप ऐसे एक दूसरे की हेल्प के साथ भी इसे ऐसा खड़ा रख सकते हैं, जिससे ये सेल्फ कुक हो जाएगा, आपको पकड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये मेरे समोसे मेरे अकॉर्डिंगली तो बहुत अच्छे से सिक चुके हैं, बढ़िया। इस पे आप देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। तो मैं इसको गैस फ्लेम ऑफ करती हूँ और इसको निकाल लेती हूँ प्लेट में। और ये देखिए गाइस हमारे टेम्पटिंग से टेस्टी से रोटी समोसा बनके एकदम तैयार है। कोई बिलीव ही नहीं करेगा कि ये बची हुई सब्जी और रोटी से हमने बनाया है इतना टेस्टी और हेल्दी सा नाश्ता। ये बहुत अच्छा रहता है, चाहे आप इसे ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, या इवनिंग स्नैक्स में भी खा सकते हैं, शाम की चाय के साथ ये बहुत अच्छा जाता है। प्लस ये बहुत हेल्दी भी ऑप्शन है, क्योंकि हमने इसको डीप फ्राई नहीं किया है, इसको शैलो फ्राई किया है। बहुत ही कम ऑयल में हमने इसको बनाया है,
और मैं तो कहूंगी जैसे कि मैंने मेरे पास आलू की सब्जी बची हुई थी तो मैंने इसके अंदर वही स्टफ कर दी। अगर आप चाहे तो इसके अंदर पनीर भी डाल सकते हैं, पनीर ग्रेट करके इसमें मसाला डाल के, या हम जो पिज्जा के लिए सब्जियां काटते हैं ना, जैसे हमने इसके पहले पिज्जा पराठा भी बनाया है वैसा ही उसकी जो स्टफिंग बनाई है वो स्टफिंग भी इसके अंदर स्टफ करके बाकी प्रोसीजर सेम करके आप इसको पिज्जा समोसा भी बना सकते हैं, या चीज भी भर सकते हैं। सिंपल आप चीज ग्रेट करके भर दीजिए थोड़े मसाले डाल के, वो भी इसके साथ बहुत अच्छा जाता है। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और प्लीज मेरे कहने से इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिए। ये रेसिपी बहुत अच्छी बनती है, प्लस हमारी जो बचा हुआ सामान है वो भी यूज हो जाता है, वेस्ट नहीं जाता है। तो जब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और हम मिलेंगे ऐसी ही हेल्दी सी टेस्टी इंटरेस्टिंग अगली रेसिपी में। तब तक के लिए गुड बाय।